हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम यूपीएससी आईएससी सेट के फिजिक्स इस टॉपिक पर फिफ्थ क्विज लेके आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ C14 इज 5600 ईयर्स। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द C14 टू बिकम वन ऑफ द फोर्थ ऑफ द इट्स इनिशियल साइज। जो हाफ लाइफ पीरियड होता है C14 यानी कि कार्बन जिसके एटोमिक नंबर 14 है, उसका 5600 ईयर्स यानी कि एटॉमिक नहीं एटॉमिक मास नंबर 14 है, तो उसका ईयर्स होता है 5600 ईयर्स, 5600 ईयर्स। लेकिन C14 को अगर 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल साइज में जाना है तो कितना टाइम लगेगा उतने मटेरियल को? तो उसके ऑप्शन है 4000 ईयर्स, 5600 ईयर्स, 11200 ईयर्स या फिर 13000 ईयर्स। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, 11200 ईयर्स। इट नीड्स अनदर 5600 ईयर्स टू गो डाउन बाय द हाफ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, लाइट ईयर्स इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर एक इसका यूनिट होता है, फर्स्ट डिस्टेंस का, सेकंड टाइम का, थर्ड वेट का या फोर्थ इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट डिस्टेंस। इट इज़ ए यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रैवल्स इन वन ईयर, विच इज़ 9.4607 इंटू 10^12 किलोमीटर, नियरली 6 मिलियन माइल्स। तो लाइट ईयर्स ये डिस्टेंस का यूनिट होता है। इट इज़ ए यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रैवल्स इन वन ईयर। ये डिस्टेंस इक्विवेलेंट होता है जितना लाइट ट्रैवल्स करते हैं एक ईयर में, विच इज़ 9.4607 इंटू 10^12 किलोमीटर। तो इसकी इसका मतलब नियरली 6 मिलियन माइल्स, तो इतना बड़ा होता है लाइट ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ एन ऑब्जेक्ट वेट्स 60 किलोग्राम वेट ऑन अर्थ, इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून विल बी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट 60 किलोग्राम मास वेट ऑन अर्थ होता है, मतलब पृथ्वी पे 60 किलोग्राम, और तब उसका वेट सरफेस ऑफ द मून, मून के सरफेस पे कितना होगा? फर्स्ट 360 किलोग्राम वेट, सेकंड ऑप्शन 0 किलोग्राम वेट, थर्ड 10 किलोग्राम वेट या फिर ऑप्शन फोर्थ 6 किलोग्राम वेट। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, 10 किलोग्राम वेट। इट ड्यू टू द लोअर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून 1.622 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रफली 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मून का वो 1/6 होता है अर्थ से, तो वेट भी 1/6 होगा अर्थ पे जितना होगा, तो इसलिए 10 किलोग्राम वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी स्पेरिकल ड्यू टू। जो स्मॉल ड्रॉप होता है मर्क्यूरी का वो स्पेरिकल होता है किसकी वजह से? फर्स्ट विस्कोसिटी, सेकंड सरफेस टेंशन, थर्ड ग्रेविटी, फोर्थ इलास्टिसिटी। तो इसका सही आंसर होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से जो स्मॉल ड्रॉप होता है मर्क्यूरी का वो स्पेरिकल शेप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। जो यूनिट होता है पावर ऑफ लेंस का वो क्या होता है? डेसीबेल, पास्कल, डियोप्टर या स्टोक। तो इसका सही आंसर है थर्ड डियोप्टर। तो ये होता है यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, जो पावर होती है लेंस का वो डियोप्टर से मेजर की जाती है। नेक्स्ट यानी कि डियोप्टर इज यूनिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज। जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का वो कौन सा होता है? मार्स, मर्क्यूरी, अर्थ या प्लूटो। तो इसका सही आंसर है सेकंड मर्क्यूरी। प्लूटो इज नो मोर कंसिडर्ड अ प्लैनेट, क्योंकि अगर ऐसा आंसर होता कि प्लूटो को अब एज ए प्लैनेट कंसिडर नहीं किया जाता है, इसलिए आप कन्फ्यूज हो सकते हैं प्लूटो या फिर मर्क्यूरी। क्योंकि अगर जब तक अगर प्लूटो एज ए प्लैनेट कंसिडर था तब तक प्लूटो, इसलिए प्लूटो ना होकर मर्क्यूरी, क्योंकि प्लूटो अब एक उस सोलर सिस्टम से बाहर का हो चुका, वो एज ए प्लैनेट नहीं कहलाता, वो एज ए धूमकेतु या उल्का कहलाता है जो रिवॉल्व करता है सन से। तो प्लूटो अगर प्लैनेट नहीं है तो सबसे छोटा प्लैनेट जो है वो है मर्क्यूरी, जो सबसे पहला प्लैनेट है सन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, द टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज। जो टाइम टेकन
बाय द लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम द सन टू अर्थ, अगर टाइम को मतलब लाइट को ट्रैवल करने में कितना समय लगता है अगर वो सन से अर्थ तक आती है, मतलब सन से जो भी लाइट इमिट होती है वो अर्थ तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है। उसके ऑप्शन है 15.2 मिनट, सेकंड ऑप्शन 8.33 मिनट, थर्ड ऑप्शन 4.66 मिनट एंड फोर्थ ऑप्शन है 1.5 मिनट। तो इसका सही आंसर है सेकंड, 8.33 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज ब्लॉक्ड बाय पीस ऑफ पेपर। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है फॉर्म्स होता है, एक इमेज फॉर्म करता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन पे, इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज ब्लॉक्ड बाय पीस ऑफ पेपर, अगर जो अपर हाफ होता है लेंस का वो अगर पीस ऑफ पेपर से ब्लॉक किए तो इसका तो इसके ऑप्शन है द लोअर हाफ ऑफ द इमेज विल बी कट ऑफ, सेकंड द अपर हाफ ऑफ द इमेज विल बी कट ऑफ, थर्ड द इमेज विल बी फॉल बट इट इंटेंसिटी विल बी रिड्यूस, फोर्थ नथिंग विल हैपन टू द इमेज। इसका सही आंसर है फर्स्ट, द लोअर हाफ ऑफ द इमेज विल बी कट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफॉर्म्स एनर्जी फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ट्रांसफॉर्म्स फ्रीक्वेंसी, थर्ड इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज, फोर्थ जनरेट्स ईएमएफ। इसका सही आंसर है थर्ड, इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज। अ ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक मशीन यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ये एक स्टैटिक मशीन होता है जो यूज़ किया जाता है ट्रांसफॉर्मिंग पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज ना करके एक सर्किट से दूसरे सर्किट जब हम पावर ट्रांसफ़र करते हैं तब उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं, वो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज। जो ट्रांसफार्मर ये एक स्टैटिक मशीन होती है जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को चेंज ना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन जनरल व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए मेटल इज रेज्ड इट्स कंडक्टेंस, अगर जनरल में अगर हम ध्यान में रखें तो जनरली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए मेटल इज रेज्ड, जब टेम्परेचर ऑफ मेटल इज रेज्ड यानी कि जो मेटल का टेम्परेचर होता है अगर वो बढ़ा दे तो इट्स कंडक्टेंस, तो उसके कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीजेस यानी कि बढ़ता है, डिक्रीजेस यानी कि कम होता है, रिमेंस द सेम यानी कि सेम ही रहता है, या फिर फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस यानी कि पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है। तो इसका सही आंसर है सेकंड, डिक्रीजेस। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है द मॉलिकुलर वाइब्रेशन इंक्रीजेस, तब वैसे वैसे जो मॉलिकुलर वाइब्रेशन होता है वो इंक्रीज होता है, इन टर्न डिक्रीजिंग द मीन्स मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिकुल्स, इन टर्न में डिक्रीजिंग द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिकुल्स, उसकी वजह से जो मीन फ्री पाथ होता है मॉलिकुल्स का वो डिक्रीज हो जाता है। सो दे ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दस रिड्यूसिंग द कंडक्टिविटी, इसकी वजह से वो दे ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसे ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है दस रिड्यूसिंग द कंडक्टिविटी, यानी कि वो कंडक्टिविटी को कम कर देते हैं। नेक्स्ट 1 kWh इज द यूनिट ऑफ, 1 kWh ये किसका यूनिट होता है, एनर्जी का, पावर का, चार्ज का या करंट का। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, एनर्जी का। द 1 kWh इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 3.6 MJ। इफ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड और यूज एट ए कॉन्स्टेंट रेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द टोटल एनर्जी इन किलोवाट आवर्स इज इक्वल टू द पावर इन किलोवाट मल्टीपल बाय द टाइम इन आवर्स। द 1 kWh जो कि एनर्जी का यूनिट है वो कितना होता है, 3.6 MJ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर गिवन आउट ड्यू टू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से गिवन आउट ड्यू टू किसकी वजह से निकलते हैं, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, थर्ड रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स, या फोर्थ नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है सेकंड, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी लेवल। इसका सही एक्सप्लेनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एनर्जी दैट इज प्रोपोगेटेड थ्रू फ्री स्पेस और थ्रू ए मटेरियल मीडियम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सच एज रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट एंड गामा रेज। द टर्म ऑल्सो रेफर्स टू द इमिशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ सच रेडियंट एनर्जी। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस व्हेन एवर चार्ज पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड एंड दिस वेव्स कैन सब्सिक्वेंटली इंटरेक्ट विद एनी चार्ज पार्टिकल्स, काउंटर इफेक्ट्स प्रोवाइड एडिशनल सोर्स ऑफ EMR सच एज द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू लोअर एनर्जी लेवल्स
इन एन एटम एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। नीचे देखो मिसा एक वेव्स सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। फर्स्ट रेडियो वेव्स, सेकंड माइक्रोवेव्स, थर्ड लाइट वेव्स एंड फोर्थ ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आर यूज फॉर द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लॉन्ग टू शॉर्ट। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ज़्यादा से कम। फर्स्ट इंफ्रारेड, सेकंड अल्ट्रावायलेट, थर्ड गैमा रेज, फोर्थ माइक्रोवेव्स। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? इसका सही आंसर है फर्स्ट। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है माइक्रोवेव्स की, फिर आते हैं इंफ्रारेड, देन अल्ट्रावायलेट रेज एंड देन गैमा रेज। तो जैसे अगर हम लॉन्ग टू शॉर्ट यहाँ पे रखेंगे वेवलेंथ, तो इस तरह से अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी को देखें तो इसका उल्टा, यानी कि सबसे पहले आते हैं गैमा रेज, फिर आते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, फिर आते हैं इंफ्रारेड रेज और फिर आते हैं माइक्रोवेव रेज। तो इसके इसको फैमिलियर करके हमें यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। तो सबसे तो जिस क्वेश्चन का आंसर है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, यानी कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग टू शॉर्ट सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है माइक्रोवेव्स की, फिर आते हैं इंफ्रारेड रेड, फिर अल्ट्रावायलेट और फिर गामा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अवर अर्थ वायलेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन मूव्स इन वन आवर, अ डिस्टेंस ऑफ ब्लैंक इज अप्रोक्सीमेटली कवर्ड। अगर अपनी अर्थ वायलेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जब ये सन से रिवॉल्व करते हैं, यानी कि सन के ऊपर रिवॉल्व करते हैं, मूव्स इन वन आवर, एक घंटे में कितना डिस्टेंस ये कवर करते हैं? 1 लाख किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर या फिर 1,000 माइल्स। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 1 लाख किलोमीटर। मतलब अगर जब अर्थ मून से रिवॉल्व करते हैं, यानी कि हमेशा अर्थ सन से रिवॉल्व करते हैं, तो एक घंटे में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करते हैं? तो 1 लाख किलोमीटर वो एक घंटे में ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे देखो स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज फॉर फाइंडिंग मॉलिकुलर, यानी कि अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होते हैं वो मॉलिकुल को फाइंड करने में यूज होते हैं। सेकंड, केमिकल इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स। जो केमिकल इफेक्ट्स होते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स से प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके ऑप्शन ए है, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। सेकंड, ए एंड आर आर बोथ आर करेक्ट। थर्ड, ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज बोथ आर रॉन्ग। तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, ए एंड आर आर करेक्ट, बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द कलर ऑफ आउटर एज ऑफ रेनबो इज जनरली। जो कलर होता है आउटर एज ऑफ रेनबो का वो कौन सा होता है? पर्पल, रेड, वॉयलेट या येल्लो। इसका सही आंसर है सेकंड, रेड। एज शोन इन द फिगर द वॉयलेट विल बी इन द इनर एज एंड द रेड स्पेक्ट्रम विल बी इन द आउटर एज। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, जो आउटर एज है वो रेड है और जो इनर एज है वो है वॉयलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन सीन थ्रू अ पीस ऑफ रेड ग्लास द ग्रीन लीव्स विल अपीयर। जब हम थ्रू ए पीस ऑफ रेड ग्लास, अगर हम रेड ग्लास के पीस से हम देखें, द ग्रीन लीव्स विल अपीयर, तो ग्रीन कौन से कलर में दिखेंगे? जो ग्रीन लीव्स होते हैं, जो पान होते हैं, पत्ते होते हैं, जो हरे पत्ते होते हैं, वो कौन से कलर में दिखेंगे अगर हम जो रेड ग्लास होता है उसके टूटे हुए रेड ग्लास से देखेंगे? तो फर्स्ट ऑलमोस्ट ब्लैक, सेकंड नियरली विजिबल, थर्ड ग्रीन कलर ऑफ रिड्यूस इंटेंसिटी, ब्लूइश टिंट। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, ब्लूइश टिंट। तो इसका ग्रीन लीव्स किस तरह से दिखेंगे? ब्लूइश टिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। एनेमोमीटर, वेलोसिटी ऑफ विंड, कार्डियोग्राम, डेप्थ ऑफ द ओशन, एनसेफेलोग्राफ, हार्ट मूवमेंट्स एंड फोर्थ फैथोमीटर, ब्रेन मूवमेंट्स। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, एनेमोमीटर, वेलोसिटी ऑफ विंड। बाकी के गलत है। एनेमोमीटर विंड की स्पीड यानी कि वेलोसिटी फाइंड करने में यूज होता है।
क्वेश्चन नंबर 20, मैच लिस्ट 1 करेक्टली विद द लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट योर आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. फर्स्ट रडार, सेकंड हाइग्रोमीटर, थर्ड फोटोमीटर, फोर्थ लैक्टोमीटर. उसके ऑप्शन लिस्ट 2 में ह्यूमिडिटी, लाइट इंटेंसिटी, प्योरिटी ऑफ मिल्क, एनी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट. तो क्या यहाँ पे यूज़ होता है? रडार किसके लिए यूज़ होता है, क्या मेजर करने के लिए? हाइग्रोमीटर क्या यूज़ करने के लिए, मेजर करने के लिए? फोटोमीटर क्या मेजर करने है, और लैक्टोमीटर क्या मेजर करने के लिए? तो सबसे आसान है लैक्टोमीटर, प्योरिटी ऑफ मिल्क. अगर हम आप 12th तक साइंस पढ़ चुके तो बहुत ही आसान होगा ये आंसर देना कि लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क फाइंड करने के लिए होता है. तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क, तो D4 ये दो ऑप्शंस में से हैं. और ह्यूमिडिटी अगर हम देखें रडार, तो एनी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे देखने के लिए कर सकते हैं रडार. A4 ऐसे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे A3 रडार, प्योरिटी ऑफ मिल्क, या फिर D3 यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क, वो है सेकंड ऑप्शन. तो इस तरह से अगर आपको एक भी आंसर पता हो तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आंसर अच्छे तरीके से दे सकते हैं. तो रडार किसके लिए यूज़ होता है? एनी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट. सेकंड हाइग्रोमीटर किसके लिए यूज़ होता है? तो ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए. फोटोमीटर किसके लिए यूज़ होता है? तो लाइट इंटेंसिटी मेजर करने के लिए. और लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क फाइंड करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, परसिस्टेंस ऑफ विजन इज द प्रिंसिपल बिहाइंड. जो परसिस्टेंस ऑफ विजन ये है, उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? कैमरा, स्पेक्ट्रोस्कोप, सिनेमा या पेरिस्कोप. तो इसका सही आंसर है थर्ड, सिनेमा. जो परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है, ये जो प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल किसके पीछे बना है? सिनेमा से. नेक्स्ट, यानी कि जो सिनेमा होता है, ये जो हम देखते हैं, उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है? तो उसका नाम है परसिस्टेंस ऑफ विजन. ये प्रिंसिपल यूज होता है सिनेमा देखते समय. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द वेट ऑफ ए बॉडी इज. जो वेट होता है बॉडी का, वो क्या होता है? द सेम एनीवेयर एवरीवेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. सेकंड मैक्सिमम एट द पोल्स. थर्ड मैक्सिमम एट द इक्वेटर. फोर्थ मोर ऑन द हिल्स दैन इन द प्लेन्स. तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, मैक्सिमम एट द पोल्स. जो वेट होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? पोल्स पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स टू सेंटर ऑफ अर्थ इज शॉर्टर कम्पेयर टू द इक्वेटर रीजन. हेंस चेंज ऑफ ग्रेविटी एंड वेट, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी. हेंस इसकी वजह से जो वेट होता है बॉडी का, वो मैक्सिमम होता है पोल्स की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बॉल पेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. जो बॉल पेन होता है वो वर्क्स होता है प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है? फर्स्ट विस्कोसिटी, सेकंड बॉयल्स लॉ, थर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्थ कैपिलरिटी एंड सरफेस टेंशन. तो इसका सही आंसर है फोर्थ, कैपिलरिटी एंड सरफेस टेंशन. जो बॉल पेन होता है वो वर्क्स करता है किस प्रिंसिपल पर? कैपिलरिटी और सरफेस टेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एट व्हाट टेम्परेचर अ बॉडी विल नॉट रेडिएट एनी हीट एनर्जी. किस टेम्परेचर पर बॉडी किसी भी तरह का एनर्जी, हीट एनर्जी रेडिएट नहीं करती? 0 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या -273 डिग्री सेल्सियस. तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, -273 डिग्री सेल्सियस पर जो बॉडी होती है वो किसी भी तरह का टेम्परेचर रिलीज नहीं करती. यानी कि मतलब इस टेम्परेचर पर किसी भी तरह की हीट एनर्जी बॉडी रिलीज नहीं करती, -273 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन ए स्टैंडिंग वेव द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटीनोड इज. अगर स्टैंडिंग वेव को हम ध्यान में रखें तो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटीनोड कितना होता है? ऑप्शन 3λ/2, सेकंड λ/2, थर्ड λ/4 और फोर्थ 3λ/4. इसका सही आंसर है थर्ड, λ/4. तो जो स्टैंडिंग वेव में जो डिस्टेंस होता है नोड और एडजेसेंट एंटीनोड में, वो λ/4 होता है. इसी तरह से हम 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं फिजिक्स सेट 5th के, मतलब यानी कि ये 5th सेट था क्विज का फिजिक्स के. इसी तरह से हम नेक्स्ट क्विज लाते रहेंगे. तब तक के लिए आप खुद को मोटिवेटेड रखिए,
स्टडी में कंसिस्टेंसी रखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह से आपका सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।